बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार जोहार, खेत खलियान कुशल किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियां हम आप तक पहुंचाए, और आज के अंक में हम बातें करेंगे लाख उत्पादन एवं तसर रेशम उद्योग के बारे में। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। धान फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए कृषि यंत्र कोनोवीडर का करें प्रयोग। बरसात के मौसम में भींगे चारे को पशुओं को नहीं खिलाएं। सूर्यमुखी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं DRSF 108। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, धान फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए कृषि यंत्र कोनोवीडर का प्रयोग कर सकते हैं। इससे कम समय में धान फसल से खरपतवार को निकाला जा सकता है। साथ ही टाड जमीन में लगी धान फसल में निकाय गुड़ाई के लिए कृषि यंत्र गच्छों का प्रयोग किया जा सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अधिकता होती है, लेकिन पानी से भींगे चारे को पशुओं को नहीं खिलाएं। हरे चारे को काटने के बाद थोड़ा सुखा दें, फिर पशुओं को खाने के लिए दें। इससे पशु बीमार होने से बचेंगे। किसान भाई, पौधों के विकास में मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व की भूमिका अहम होती है, जिसे समझने के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। मिट्टी में मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होने पर पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भरपूर फसल नहीं मिलती है। देखिए, मुख्य तत्व और सूक्ष्म तत्व पहचानने के लिए सबसे पहला तो साइंटिफिक मेथड यह है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो नियर में, जो नज़दीक में सॉइल टेस्टिंग लैब है, वहाँ पर वो अपना मिट्टी का नमूना लेके जाएं और वहाँ पर उनका एनालिसिस होगा। उसके आधार पर उनको ये पता चलेगा कि हमारे मिट्टी में उसकी कमी है कि नहीं। यदि मिट्टी में हमारा कमी रहेगा मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों का, तो नियम स्वभावतः हमारे पौधे भी उससे ग्रसित हो जाएंगे और हमारे पौधे में भी कमी आ जाएगा। तो उसको अगर आप प्रतिदिन अपने खेत पर जाते हैं और उसका जो पौधों का विकास और उसका जो प्रकृति है उसको देख कर करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पौधों में किस किस मुख्य तत्व और किस किस सूक्ष्म तत्व की कमी हो रही है। सूर्यमुखी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DRSF 108 लगाएं। सूर्यमुखी की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 बार खेत की अच्छी तरह जुताई कर पाटा चलाकर समतल बना लें। बुआई के पहले सिंचाई करके जमीन की तैयारी करें, जिससे कि मिट्टी में पर्याप्त नमी हो सके। बीज बोने से पूर्व कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या अथवा इमिडाक्लोप्रेट 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। किसान भाई, मक्के से दाना छुड़ाने के लिए ट्यूबलर हैंड मेज शेलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज के विशेष जानकारी है मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, आप अगर मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें। हम सभी जानते हैं कि कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से जरूर बनाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बारी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवम्बर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि आज के अंक में हम बातें करेंगे लाख उत्पादन एवं उसमें रोग प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लाख उत्पादन क्या है। लाख केरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। यह पलास, बेल एवं कुसुम के वृक्षों पर पाले जाते हैं। शाखाओं से रस चूसकर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए राल का स्राव से कवच बना लेते हैं। यही लाख होता है। तो क्यों ना लाख में लगने वाले रोग के बारे में हम जानें और इससे बचाव कैसे किया जाए, इनके बारे में भी जानते हैं। आज हम आ पहुंचे हैं लाख अनुसंधान केंद्र, जहां पर आज हम जानेंगे लाख के उत्पादन में कीटों का प्रबंधन और रोग और उनमें लगने वाली रोगों की रोकथाम कैसे करें। सर, आप हमें किसान भाइयों को ये बताइए कि लाख के उत्पादन में कीटों का
प्रबंधन रोकथाम और उनमें जो रोग लगते हैं उनसे बचाव कैसे करें? लाख कृषि में कीट और रोग का बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कीट का समस्या में परभक्षी होते हैं और परजीवी होते हैं। परभक्षी में ज़्यादातर सफ़ेद तितलिया और काला तितली होता है। सफ़ेद तितली का नाम होता है यूब्लेमा अमेबिलिस और काला तितली का नाम होता है सिंकोला पल्वेरिया, जिसके वजह से लाख में 30-40% का नुकसान होता है किसान भाइयों के लिए। और परजीवी में ज़्यादातर टकाड़ी पेगस टकाड़ी करके एक परजीवी आता है जो लाख का अंदर से काके कोकला बना देता है, जिसके वजह से लाख उत्पादन में बहुत सारे नुकसानदायक होता है। तो उसके अलावा जो रोग है उसमें फफूद का होता है, काला फफूद होता है जो बरसात में आपको देखने के लिए मिलता है। लाख के ऊपर काला फफूद बहुत आ जाता है, उसके वजह से भी लाख का नुकसान बहुत होता है। अब हम लोग इसका प्रबंधन के बारे में देखते हैं। लाख का खेती में कीट और रोग प्रबंधन बहुत मुख्य होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो जैसे मैंने बोला 30-40% का नुकसान होता है, तो वो उसको रोकने के लिए हमको उसमें प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। इसमें पहले से हम लोग को जैसे ला भी एक कीट है, इसीलिए इसमें हमको केमिकल मतलब रासायनिक प्रबंधन पे जाने से पहले हमको कुछ दूसरे ऐसे विधि विधान है जिसमें से हम लोग इस कीट और रोग का बाद को रोग का समस्या को कम कर सकता है। तो उसमें एक है जैसे ब्रूड लैक, जब हम लोग मतलब बिहन लैक जब चढ़ाता है पेड़ों में, वो चढ़ाने से पहले हमको थोड़ा अच्छा वाला बिहन लैक, जैसे उसमें कीट का समस्या कम हो, या अच्छा वाला बिहन लाख को हम लोग बिहन को चढ़ाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे ये जो कीट और कीट का समस्या है उसको कम कर सकता है। उसके बाद हम लोग ये जो नाइलॉन मेश करके एक आता है मेश, जो जाली होता है 60 mm का जाली होता है, वो हम जाली का भी उपयोग कर सकता है, जहाँ पे बिहन को जाली में लगा के हम लोग बांधने से कीट का जो उसके अंदर में जो पहले से कीट है वो बाहर नहीं निकल पाता है, सिर्फ हम लोग का जो लाख का क्रावलर से वही बाहर निकलेगा और वो शिशु बोलता है उसको, क्रावलर्स को, वो बाहर निकल के टहनियों पे बैठ जाके लाख का उत्पादन शुरू करेगा। तो उसके अलावा आप लोग ये भी कर सकता है कि जब आप लोग बिहन को बांधते हैं उसके बाद जब ये शिशु कीट निकल जाने के बाद तुरंत ही आप ये जो पुंकी बोलता है उसको निकाल देने से भी कुछ कीट समस्या को कम कर सकता है। उसके बाद एक और यह है रासायनिक का ही एक तरीका है, उसको बोलता है हम बिहन का ट्रीटमेंट। बिहन लाख को हम लोग रासायनिक केमिकल्स में 5-10 मिनट के लिए डुबा के उसको बांधने से भी ये कीट का समस्या कम हो जाता है। तो हम लोग रासायनिक कौन सा रासायनिक हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। तो पहले से ये इसमें ऐसे लाख भी एक कीट है, इसीलिए हम लोग जो भी रासायनिक मिलता है मार्केट में उसको हम लोग स्प्रे नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि लाख भी मरने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसीलिए हम लोग इस पर कुछ संशोधन करके कुछ ऐसा रासायनिक केमिकल्स को हम लोग रेकमेंड कर रहा है जिसमें हमको लाख का मरना कम होता है, ला नहीं मरता है, या जो परभक्षी या परजीवी कीट जो है उसका कंट्रोल होता है। तो उसमें पहले आता है कि पिप्रोनिल 1.5 ml मात्रा में प्रति लीटर पे मिला के छिड़काव करना होता है, और स्पाइनोसाइड होता है एक केमिकल, स्पाइनोसाइड 2 ml प्रति लीटर पे मिला के स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। इंडाक्सकर्ब 0.5 ml प्रति लीटर पे मिला के छिड़काव करना होता है। एथोफेनप्रॉक्स 2 ml प्रति लीटर पे मिला के छिड़काव करना होता है।
तो इसमें आप बिहन लाख को ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसी केमिकल्स को इस्तेमाल कर सकता है। आप इसी केमिकल्स से बिहन लाख को ट्रीटमेंट करके भी आप चढ़ा सकता है टहनियों पे, या नहीं तो इसका जो जब लाख का खेती होते रहेंगे उस टाइम पे भी इसी केमिकल्स को आप लोग इस्तेमाल करना है। अब आप लोग का ये जो लाह में रोग का प्रबंधन जो है, इसमें मैंने जैसे बोला आपको काला फफूद का रोग ज़्यादातर लगता है, उसका प्रबंधन के लिए आप कार्बन डाइजिम इस्तेमाल कर सकता है। कार्बन डाइजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आप जब कीटनाशक छिड़काव करेंगे उसी के साथ में इसको भी मिला के छिड़काव कर सकता है। और इसमें आपका जो लाह का खेती है, इसका जो जब खेती होते रहेंगे उसके उस टाइम पे कब इसका छिड़काव करना है ये भी बहुत ज़रूरी है, ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है कि कब छिड़काव करना है कब नहीं करना है। क्योंकि आप लोग नरकीट निकलने के टाइम पे छिड़काव करेंगे तो नरकीट का भी जान जा सकता है और उसके वजह से भी लाह उत्पादन में बहुत मात्रा कम पड़ जाएंगे। इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा। आप इसमें हम लोग बोलते हैं कि 3 बार छिड़काव करने के लिए बोलता है। रासायनिक को हम लोग छिड़काव संचारण के 30 दिन के बाद, 60 दिन के बाद और 90 दिन के बाद करना होता है। और ये भी ध्यान रखना होता है कि उस समय पे नरकीट ना निकले। तो देखा ना किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी उपयोगी जानकारी दी जिससे आप लाख के उत्पादन में काफ़ी लाभ कमा सकते हैं और जिससे कि अपने उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। विश्व पटेल में तसर रेशम उद्योग एवं कृषकों के लिए अवसर। जी हाँ, किस तरह से तसर रेशम उद्योग हमारे किसान भाई बहनों को रोजगार दे रहा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तसर रेशम उद्योग कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। इसे बहुत कम कीमत पर ग्रामीण इलाकों पर लाया जा सकता है। खेती बाड़ी और घर के कामों के साथ साथ इसे अपनाना काफी आसान है। श्रम जनित होने के कारण विभिन्न स्तर पर यह रोजगार सृजन भी करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पर्यावरण का मित्रवत है। तो चलिए देखते हैं तसर रेशम उद्योग। पर्टिकुलरली तसर रेशम उद्योग में ये वन्य क्षेत्र में इसको पालन करता है। इसमें कीट पालक के अलावा, कृषकों के अलावा, धागा निकालने वाले धागेकरण और कपड़ा बनाना और इसको बेचना, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सभी स्कोप है, लॉट ऑफ स्कोप है। 2.2 लाख का किसान हमारा रेशम से जुड़ा हुआ है। भारत में, भारत एकमात्र देश है, हमारे देश में 4 किस्म का रेशम होता है, मलबरी सिल्क, तसार सिल्क, मूगा और येरी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जून महीना में 2023 जून महीना में जब अमेरिका गए था, अमेरिका US प्रेसिडेंट के लिए, हमारा झारखंड वीवर्स ने जो कपड़ा बनाया है तसार रेशम का वो गिफ्ट दिया है, उससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड राज्य को अमेरिका स्तर पर एक लिंक बनाया गया है। झारखंड क्षेत्र में 23,721 स्क्वायर किलोमीटर्स का फॉरेस्ट एरिया है। नेशनल स्तर पर आप देखने से, नेशनल स्तर पर 21.7% फॉरेस्ट एरिया रहने से हमारा झारखंड में 30% फॉरेस्ट एरिया है। उसीलिए हमारा ये मौसम जो ट्रॉपिकल मौसम है झारखंड क्षेत्र में, वो तसार रेशम के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है। हमारा भारत देश में जो भी उत्पादन हो रहा है रॉ सिल्क में, उसमें 50% केवल हमारा झारखंड क्षेत्र से ही उत्पादन होता है। उसी के कारण 1964 में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारा केंद्रीय तसार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को इधर रांची में बनाया गया है। देश में एकमात्र संस्थान है ये रांची, CTRNTA रांची। तसार से जुड़ने के लिए प्रशिक्षण चाहिए युवाओं को। युवाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए हमारा सेंट्रल का तरफ और स्टेट का तरफ से भी, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर है झारखंड गवर्नमेंट का, वो और CTRNTA रांची, वी आर गिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू देम। और प्रशिक्षण ले के, प्रशिक्षण पाने के बाद वो लोग रेशम के क्षेत्र से जुड़ सकता है। इसमें वो लोग अन्य क्षेत्र में काम करने के जाने के वजह से, रेशम से जुड़ने से है ना, प्राकृतिक ये है, ये नेचुरल इकोसिस्टम में रहता है, उसका हेल्थ भी अच्छा कंडीशन हो जाएगा, लाइवलीहुड ऑफ द रूरल कम्युनिटी विल बी वेरी गुड। पहले है हमारा, पहले है हैप्पीनेस इंडेक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी ये है, लॉट ऑफ स्कोप। अभी प्रस्तुत है हमारा झारखंड स्टेट में
आदिवासी महिलाएं और गरीब लोग ये रेशम से जुड़ा हुआ है। जो लोग फॉरेस्ट के समीप में आवास है, निवास है, वो लोग मैक्सिमम जुड़ा हुआ है। यह अभी झारखंड क्षेत्र में जो ट्राइबल लोग के लिए, आदिवासी लोग के लिए पारंपरिक रोजगार है, ये वो अनेक जनरेशन से आया हुआ है। कम पूंजी में होने वाले एकमात्र भी बोल सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में अभी नेचुरल प्लांटेशन है, टर्मिनल अर्जुना, टर्मिनल टोमेटोसा बहुत है। ये केवल कीड़ों को पालन करने से, देखभाल करने से केवल 40 दिन में ये फसल ले सकता है। एक फसल लेने से कम 30,000 से 40,000 तक कमाने के संभावनाएं हैं। जॉब क्रिएशन के बाद आप करने से, इसमें दो तरफ का इसको हम लोग विभाग कर सकता है। एक है कीट पालन करना, कोसा उत्पादन करना। कोसा उत्पादन करने के बाद कोसा से धागा निकालना, धागा निकालने के बाद कपड़ा बनाना है। बनाने के बाद प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, ये सिल्क के साथ वूल मिला के ब्लेंडिंग करना है, सिल्क के साथ और जूट मिला के ब्लेंड करके कपड़ा बनाने से ना, ये बाई प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकता है। झारखंड में अभी लास्ट कोरोना के बाद थोड़ा कमती पाया गया है उत्पादन में। अभी 2023-24 में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, झारखंड राज्य के लिए ये निर्देश दिया गया है। पूरा हमारा देश में वर्ष 2023-24 में 3,200 मीट्रिक टन कच्चा रासिल तसार उत्पादन के लिए लक्ष्य दिया गया है भारत सरकार। केवल झारखंड क्षेत्र में 2,250 मीट्रिक टन, मीन्स 70% हमारा झारखंड स्टेट का ही उत्पादन का लक्ष्य बनाया गया है। अभी हमारा क्षेत्र केंद्रीय तसार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और इसका जो नेस्टेड यूनिट्स है हमारे क्षेत्र में, डुमका में एक रीजनल प्रशिक्षण संस्थान है और बारीपादा में है, देश में 11 स्टेट्स में वी आर हैविंग अवर रिसर्च नेस्टेड यूनिट्स, उसके साथ लग के पहले है उसमें ट्रेनिंग लेना। प्रशिक्षण का बहुत महत्व है। जब प्रशिक्षण लेता है वो लोग, अभी किसान ने 50 ककून ले रहे हैं एक DFL से, एक रोग मुक्त चकत्ते बोलते हैं हम लोग, उससे 50 DFL लेता है। उसमें एक DFL से आप 100 ककुन लेने के लिए क्षमता है। उसको आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। उसमें मुफ्त रूप में हमारा केंद्रीय संस्थान में हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। किसान को पंजीकरण होता है रेस्पेक्टिव स्टेट डिपार्टमेंट से। हम अभी 10 स्टेट्स के लिए काम कर रहे हैं। ये 10 स्टेट में हमारा भारत देश में 10 स्टेट्स में तसार सेरिकल्चर उत्पादन होता है, उसमें अग्रस्थान में है हमारा जात। ऑनलाइन में प्रशिक्षण लेने से उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्र स्तर पर किसान आना है। इधर किसान आके, इधर हमारा हॉस्टल फैसिलिटी भी है, डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होता है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मीन्स किसान अपने आप इधर कीट पालन करके कोसा कैसा उत्पादन करे। 5 दिन का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 7 दिन का भी प्रोग्राम है, 15 डेज का भी ट्रेनिंग दे सकता है, 45 डेज को भी हम लोग ट्रेनिंग दे सकता है। तसार में अभी ककून का बहुत वैल्यू बढ़ रहा है। अभी जो पहले 2 रुपया जो कीमती था, लास्ट ईयर ने 4 रुपया 5 रुपये तक डबल हो गया है, क्योंकि 1 मीटर का टसार सिल्क का वैल्यू है 2,000 से 3,000 रुपये तक है। और इसमें एडवांटेज क्या है, अभी मलबरी सिल्क से आप कंपेयर कर देने से, मलबरी सिल्क होता है क्रीमी वाइटिश होता है, बट टसार का अपना पहचान है, अपना ओरिजिनल पहचान है, ब्राउनिश कलर रहता है, रस्टिक चार्म रहता है इसका। और इसको टसार फाइबर का एडवांटेज क्या है, समर में कूल रहता है, विंटर में वार्म देती है। देखा ना आप सभी ने, तसर रेशम उद्योग के माध्यम से हमारे किसान भाई बहन किस तरह से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत। जाने से पहले हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 8340001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।